नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम बात करेंगे कि जो कुछ एक आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो मैसेज वगैरह भी कर रही थी, फ़ोन भी कर रही थी कि जो कैप्चर फोटो है, जहाँ पे अगर हम डेली ट्रैकिंग पे जाएंगे तो इसमें सबसे पहले आंगनवाड़ी सेंटर स्टेटस, फिर आंगनवाड़ी सेंटर फ़ोटो। तो वो ये पूछ रहे थे कि जो कैप्चर फ़ोटो है, जो ज़रूरी कैप्चर करना है या अपनी मर्ज़ी से कभी कभार कैप्चर करना है, या अगर ना कैप्चर किया जाए तो क्या होगा। तो जहाँ पे जो कैप्चर फ़ोटो है, कैप्चर आंगनवाड़ी सेंटर, जहाँ पे ही दिया गया है कि क्या करना है, कैप्चर एनी वन एक्टिविटी सच एज़ प्रोवाइडिंग HCM डिस्ट्रीब्यूशन, मॉर्निंग स्नैक्स, प्री स्कूल एजुकेशन एट्सेट्रा, काइंडली इंक्लूड चिल्ड्रन हु आर एट द आंगनवाड़ी सेंटर इन द पिक्चर। तो इसमें ये बताया गया है कि जो फोटो कैप्चर करना है वो किसका, जब HCM डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, मीन्स कि जो हार्ड कुक्ड मील, जो मिड डे मील वगैरह आंगनवाड़ी सेंटर में दिया जाता है, उस समय फ़ोटो आप कैप्चर कर सकते हैं। दूसरा, जब मॉर्निंग स्नैक्स बच्चों को दे रहे हैं उस समय जो फ़ोटो है वो कैप्चर कर सकते हैं। उसके बाद प्री स्कूल एजुकेशन, जहाँ आंगनवाड़ी वर्कर जो हैं वो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड कर रही हैं, प्री स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड कर रही हैं, उस समय जो है ये फ़ोटो कैप्चर कर सकते हैं। जहाँ पे नेक्स्ट लिखा है कि काइंडली इंक्लूड चिल्ड्रन हु आर एट द आंगनवाड़ी सेंटर इन द पिक्चर। तो ये आपने जब भी जो फ़ोटो है वो कैप्चर करना है, वो आंगनवाड़ी जो चिल्ड्रन हैं उनको ज़रूर इंक्लूड कर लेना है। तो उसके बाद व्हाई दिस इज़ दिस नीडेड, जहाँ पे अगर हम क्लिक करें कि इसकी क्या ज़रूरत है, तो जहाँ पे लिखा है कि इट इज़ मैंडेटरी टू कैप्चर आंगनवाड़ी सेंटर फ़ोटो ऑन डेली बेसिस। अब जहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है कि क्या ज़रूरी है, तो जहाँ पे बताया गया कि हाँ ज़रूरी है, जो मैंडेटरी है कि जो आंगनवाड़ी सेंटर का जो फ़ोटो है वो डेली बेसिस पे कैप्चर करना है। उसके बाद है, दिस विल हेल्प द सिस्टम टू नो दैट द आंगनवाड़ी सेंटर इज़ फंक्शनल। इससे पता चलेगा सिस्टम को कि जो आंगनवाड़ी सेंटर है वो चल रहा है या नहीं चल रहा है, फंक्शनल है या फंक्शनल नहीं है। तो जहाँ पे जो आंगनवाड़ी वर्कर्स की क्वेरीज रहती हैं कि फॉर एग्जांपल किसी दिन आंगनवाड़ी वर्कर नहीं गई हो, कोई प्रॉब्लम बन गई हो, तो उस दिन क्या करना है, तो आपको बताते चलें कि हम यूजुअली देखते हैं कि जो आंगनवाड़ी हेल्पर्स के पास भी जो मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, उनके पास भी मोबाइल फ़ोन में जो है वो पोषण ट्रैकर यूजुअली होता है। तो आप उस दिन अपनी आंगनवाड़ी वर्क हेल्पर को बोल सकते हैं कि जो बच्चे जो आंगनवाड़ी सेंटर में आए हुए हैं उनका फ़ोटो जो है वो कैप्चर करके जहाँ पे उन्होंने क्लिक करके जो है वो अपलोड कर देना है। तो जे बाई एंड लार्ज जो है आपने फ़ोटो जो कैप्चर करना है, कभी कभार जो है वो अगर रह भी जाए तो कोई वैसी बात नहीं है। अगर हम गाइडलाइंस की बात करें, जो ICDS की जो गाइडलाइंस हैं, जो मिशन पोषण में जो सक्षम आंगनवाड़ी सेंटर की गाइडलाइंस हैं, वहाँ पे है कि जो 21 दिन महीने के जो 21 दिन जो है वो कंपलसरी है आंगनवाड़ी को, 21 आंगनवाड़ी जो वर्कर हैं उनको 21 दिन जो सेंटर है मिनिमम 21 दिन जो है वो ओपन करना है। तो आप कोशिश कीजिएगा, बाई एंड लार्ज आपने जब भी आप सेंटर में हैं फ़ोटो कैप्चर करना है, कहीं मीटिंग में है, कोई एक आधे दिन या दो दिन फ़ोटो कैप्चर नहीं होता है तो कोई ऐसी बात नहीं है। वैसे भी अगर आप देखें कि अगर आंगनवाड़ी वर्कर या आंगनवाड़ी हेल्पर भी सेंटर में है तो बच्चे आए हुए हैं तो फोटो कैप्चर करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, अलग बात है, इसी से ही पता चलेगा कि कोई जो आंगनवाड़ी वर्कर जाती ही नहीं है सेंटर में, उनका सेंटर रहता ही क्लोज है, तो उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए इसका पर्पज ही यही है कि ये देखना कि क्या आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं या सेंटर्स जो हैं इस एरिया में, उस प्रोजेक्ट में, उस डिस्ट्रिक्ट में, उस स्टेट में चल रहे हैं, जहाँ कोई परेशानी है वहाँ पे सेंटर, ऐसा तो नहीं एक सेंटर बिल्कुल ही नहीं चल रहे हैं। तो जितने भी बच्चे हैं, कई बार ऐसा होता है कि प्री स्कूल जो, क्योंकि जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, जो छोटे बच्चे हैं, वो हमारे कैजुअल विजिटर्स होते हैं आंगनवाड़ी सेंटर्स में बहुत जगह। तो जो रेगुलर विजिटर्स हैं वो वही बच्चे हैं जो 3 to 6 ईयर तक होते हैं। तो जितने भी उस दिन बच्चे आए हुए हैं, आप उनका जो पिक कैप्चर करके उनको अपलोड ज़रूर कर लें। तो कैप्चर कैसे करना, आपको पता ही है कि जहाँ पे लिखा है क्लिक द कैमरा आइकॉन
टू कैप्चर द पिक फोटो, तो कैमरा आइकन पे क्लिक करना है, तो आपने जो फोटो है वो कैप्चर करना है। आई थिंक कि इसके आपके आपको इसके बारे में जो भी डाउट वगैरह थे वो क्लियर हो गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।